Okay, students, now we are going to start with the new chapter, that is subsidiary books. Okay. So there are 7 subsidiary books in total we are having. One is cash book. Okay. Then there is purchase book. Then there is purchase return book. Then there is sales book. Then there is sales return book. Then we are having DP and BR. Okay, and last one is general profit. So ये हमारे पास कुछ subsidiary books हैं. ये हमारे syllabus में नहीं है अब, ये और ये. Okay. So we have to study cash book, purchase book, sales book, sale return book and general profit. This we have already studied, cash book. Now we are going to study in this chapter the remaining books of original entry, or we can say the subsidiary books, the special books are there. Okay. And these are related to, this is related to credit purchase. This is related to credit purchase return. This is related to credit sales. Okay? And credit sales return. Okay? So this is, and here is credit purchase. Okay? And this is related to credit purchase return. Okay, so these are the various books which we are going to study, and general proper is a journal which includes adjustment entries, okay, opening entries, rectification entries, okay, and then we are having general proper, rectification entries are there, entries not related to business, not related to business directly, okay, all these are coming in general proper. So ye kuch hamare paas hai. So sabse pehle hum jo book padhne ja rahe hain, ओके, उसे हम कहते हैं परचेज बुक या परचेज डे बुक भी बोल लो इसको, या आप इसको इनवॉइस बुक भी कह सकते हो. ओके, सो इस बुक में हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश परचेज से रिलेटेड है, या आपके पास कोई एसेट के परचेज की ट्रांजैक्शन है, वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे. ओके, कौन कौन सी परचेज बुक में एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे? कैश परचेज की, वो तो कैश बुक में चलेगी, और एसेट के परचेज की, वो जनरल प्रॉपर में जाएगी. ओके, तो बाकी क्या रह गया? क्रेडिट परचेज पे जो हमने खरीदा है बिजनेस के साथ, जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी हम डील कर रहे हैं, उस रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में जो क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में, या इनवॉइस बुक में, या परचेज बुक में. ओके, अब इसका फॉर्मेट कैसे है वो देख लेते हैं. तो इलस्ट्रेशन 1 इज रिलेटेड टू परचेज बुक. फाइन, हियर इट इज डेट
fine. And then particulars, okay, or name of the supplier, we can say name of supplier, date. Then we are having invoice number, okay. Then we are having ledger folio, okay. Then we are having details, okay. मतलब कोई भी जो डिटेल हमने फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी परचेज, यहाँ पे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, ओके, और फिर है टोटल, तो ये हमारे पास फॉर्मेट दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और जिसमें हमें क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट पे परचेज एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके. सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज परचेज ऑफ बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST 6% SGST. ये इलेक्ट्रिक स्टोर है, यहाँ से सामान खरीदा है, ओके. तो उसकी ट्रांजेक्शन है, तो June 2, 2017 को परचेज किए सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली से ऑन क्रेडिट, ओके. तो 2017 June 2 किससे खरीदा है, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है जी. अब इसमें इनवॉइस नंबर दे रहा है वो 480. क्या खरीदा है आपने उससे, 40 ट्यूबलाइट खरीदी है एट द रेट कितने की, 500 रुपए की, ओके. और आपने क्या खरीदा, 15 टेबल फैन खरीदे हैं एट द रेट 2000 पर टेबल फैन है, ओके. और ट्रेड डिस्काउंट है 20%, पहले तो इधर आ गया, हाँ जी, 40 4 5 20, ओके, और 15 30 ये आ गए 50 रुपये माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%, ठीक है जी. ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%, तो 10,000 माइनस कर सकते हैं, कितने बच गए, 40,000. अब इस पे CGST और SGST ले लेते हैं, 6%, 6%, ठीक है जी. कितना आ गया, 2400, 2400, ठीक है, ये आ जाएगा. यहाँ लिख देंगे 40,000, 2400, 2400 और 44,000, ये हो गया आपके पास पहली ट्रांजेक्शन. फिर है बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स के नॉट प्लेस, ये June 10 न्यू लाइट ट्रेडर्स, ठीक है जी. कितनी है इनवॉइस,
2310 नंबर है, 10 सीलिंग फैंस, 3000 का एक, तो 30000 के तो ये सीलिंग फैन है। फिर है 20 इलेक्ट्रिक आयरन, एट द रेट कितना है 500 रुपये का, तो 10000 या गया 40। अब ट्रेड डिस्काउंट है इसमें कोई 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ₹36000 आ गए ट्रेड डिस्काउंट। ओके, नाउ CGST और SGST छः परसेंट है, 2160 तो यहाँ आ जाएगा 36000, 2160 और ये हो जाएगा 40000। ओके, फिर है परचेज गुड फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक एंड पटेल नगर न्यू दिल्ली, जी सर, रविंद्रा इलेक्ट्रिक इनवॉइस नंबर कितना है इसका, 1508, ठीक है जी। फिर 100 dozen बल्ब और कितने रुपये का है, 600 रुपये पर डजन। अगर मान लो कि 600 रुपये का एक बल्ब होता तो हम क्या करते, पहले 100 को नंबर ऑफ बल्ब में कन्वर्ट करते, मतलब 12 संख्या प्ले करते, फिर उससे आगे चलते। ये हो गया 60000 के तो बल्ब आ गए। ओके, फिर इसके बाद है 20 वाटर हीटर, 1000 रुपये का एक का वाटर हीटर, 1000 रुपये का एक है, तो ये आ गया 20000, 80000। ओके जी, इस पे 25% रेट डिस्काउंट है, कितना हो गया 20000 माइनस कर देंगे कितना रह गया 60। ओके, अब 60 के ऊपर CGST और SGST लग सकते हैं, छत्तीस सौ, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया 60000, 3600 और 67000 ये आ गया। इसके बाद क्या है, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प फॉर कैश, तो हमने पहले से ये बात की है कि ये सिर्फ क्रेडिट परचेज की बातें होती हैं या कैश परचेज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं। फिर है बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर, फैशन फर्नीचर है तो ये जनरल प्रॉपर में जाएगा, डायरेक्ट बिजनेस के साथ इसकी कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, ये तो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए है, तो फैशन फर्नीचर का है। तो अब टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, तीनों को ऐड कर लो, 20
इन दो पांच और आठ तेरह, सात चार ग्यारह और एक बारह, छः चार दस और पांच पंद्रह, 1,52,200 ये जाएगा किसमें, परचेज अकाउंट में जाएगा। ओके जी, तो जो भी आपकी अमाउंट है ये किसमें चले जाएगी, परचेज अकाउंट में जाके इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज हाउ ऐसा हमका इंडिविजुअल ऐड कर लो कितना है, तो दिस इज हाउ परचेज बुक विल बी। ओके, अब आपकी अगर फ्रेट और कार्टेज है, ओके, तो फ्रेट और कार्टेज पे अलग से जीएसटी नहीं, वो किसमें चलेगा, आपके किसमें चलेगा, परचेज के ऊपर ही जो लगा है वही आपका चार्ज होगा। ओके, फ्रेट जो है उसके ऊपर एक फिक्स्ड चार्ज लगता है 18% का। ओके, जो भी जीएसटी वगैरह है वो अलग लगेगा, फ्रेट पे तो जीएसटी 18% का अलग लगेगा। ओके, और परचेज पे जीएसटी वेरी करता है 0 to 28%। ओके, तो ये हमारे पास है, अलग से क्वेश्चन आ रहा है। फाइन, तो जो भी फ्रेट की अमाउंट है, अगर परचेज में हमारे पास कोई फ्रेट की अमाउंट आ रही है, तो अब फ्रेट की एंट्री किस में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी, फ्रेट की एंट्री परचेज बुक में नहीं शो होगी। ओके, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन इज कि जो आपके पास फ्रेट की अमाउंट है वो जर्नल प्रॉपर में अलग से शो होगी, वो परचेज बुक में नहीं शो की जाएगी। पहले हम परचेज में शो करते थे, अब वो परचेज बुक में नहीं शो होगी। फ्रेट पे अलग से जीएसटी है, वो है 18% का एक स्टैंडर्ड जीएसटी, वो लगा के आपको उसकी एंट्री कहाँ करनी है, जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, तो ये आपके पास है। चलो हम सेकंड इलस्ट्रेशन करते हैं।
illustration number 7. क्या कह रहे हैं? Purchase book of Superior Cloth House है New Delhi का CGST 5% SGST 5% है. अप्रैल 4 को उसने खरीदा है 2018 4 अप्रैल. ओके क्या है? Purchase from Radha Krishan and Sons. राधा कृष्ण एंड सन्स. कितना इनवॉइस नंबर? 305. ओके ये आपके पास इनवॉइस नंबर है. 100 मीटर क्लॉथ है 20 रुपए मीटर. 100 मीटर एट द रेट कितना? 200 रुपए पर मीटर. तो कितना है? 20,000 का. तो ये और फिर है 80 मीटर वुलन एट द रेट 500 पर. ओके कितना आ गया आपके पास? 40,000 का ये आ गया. ट्रेड डिस्काउंट 20%. कितना बनेगा? 2.5 2.5. 2 से कर दो तो 960 बनते हैं. और 960 और 1200 रुपये. ठीक है जी. तो ये आपके पास बन गया. तो यहाँ लिख देंगे 48,000 1200 रुपये और 2400 ऐड कर दो तो 50,000. ठीक है. फिर है 12 अप्रैल को परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी. क्या है? रघुवीर प्रसाद. ठीक है जी. कितना है? 240. 50 मीटर सिल्क है 600 रुपये पर मीटर. 50 मीटर सिल्क 600 पर. ठीक है जी. कितना आ गया? 30,000. और फिर है आपके पास 40 मीटर कॉटन एट द रेट 250. तो कितना हो गया? 10,000. 40 तो ये हो गया. ओके अब इसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट 10% 4,000. कितना आ गया? 25. CGST SGST 2.5% 2.5%. ठीक है. 720 और 900 और 900. यहाँ लिख देंगे 36,000 900 और 900 और 37,000. ठीक है जी. फिर है परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर. अब ये तो फर्नीचर का काम है, कपड़े का काम नहीं है. ओके कपड़े का काम नहीं है तो ये परचेज बुक में नहीं जाएगा. भाई फिर आ जाओ 25 को. परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात वाइड इनवॉइस नंबर 390. 25 अप्रैल को खरीदा है हरिओम से. ओके
इनवॉइस नंबर कितना है 390। क्या खरीदा है 100 मीटर वूलन, ओके क्लॉथ है 600 रुपये मीटर। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 60,000। इस पे क्या कह रहा है 15% डिस्काउंट फ्रेट चार्जेस। अब जो फ्रेट चार्जेस हैं वो जनरल प्रॉपर में जाएंगे, वो यहाँ नहीं होंगे। यहाँ माइनस क्या कर दिया आपने, फ्रेट डिस्काउंट कितना है 15%, मतलब 9,000 माइनस कर दो तो 51,000 आ गया। और 51,000 का CGST SGST 2.5 2.5, तो 2.5 के हिसाब से CGST कितना बन जाएगा 2500। अब ये और एक इम्पोर्टेंट चीज है, फर्म कहाँ की है, न्यू दिल्ली की। सामान कहाँ से आ रहा है, गुजरात से। तो IGST लगा दो 5%, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा 57 27 ओके। तो परचेज बुक का परचेज अकाउंट में चला जाएगा टोटल, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल फाइन। तो परचेज अकाउंट में तो चला जाएगा 1,35,000, ये आ गया इनपुट CGST और इनपुट SGST आ गया, IGST आ गया, ओके। तो ये आपके पास है, ओके जी। और ये क्रेडिट को देंगे परचेज अकाउंट में, ये अमाउंट जाएगी 1,35,000, ओके जी। सो दिस इज हाउ परचेज बुक विल बी प्रिपेयर। नाउ मूविंग ओवर टू दी सेल्स बुक, फाइन। अब यहाँ सेल्स बुक में सिर्फ एक ही फर्क डालना है आपको, ओके। नेम ऑफ द सप्लायर की जगह नेम ऑफ क्या हो जाएगा, कस्टमर बन जाएगा, ओके। तो आपके पास बाकी सारा डिटेल्स वैसे का वैसे ही रहेगा,
ओके जी, और यहाँ हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट So this is how ये है हमारे पास सेल्स बुक का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। प्रिपेयर ए सेल्स बुक फॉर द फॉलोइंग नवकेतन फर्नीचर हाउस है लुधियाना का, अज्यूमिंग CGST एंड SGST 6-6%। अब 2018 में मई 1 को ये ट्रांजेक्शन हो गया, सोल्ड गोड्स टू 5-स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, 5-स्टार फर्नीचर पटियाला का है, तो विद इन स्टेट ही है। ओके, ऑन क्रेडिट 150 चेयर थी एट द रेट कितना 1800 रुपये, और फिर 36 टेबल थे एट द रेट 5000। ठीक है जी, तो 150 × 1800 12000 2,70,000 की तो चेयर हो गई। ओके, और 36, 6, 5, 30, 15 और 18 180,000 के क्या हो गए आपके पास टेबल आ गए, और 20% डिस्काउंट है। 4.5 लाख का सामान था माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, कितना 90,000 का, 3,60,000। ओके जी, अब 3,60,000 पे CGST और SGST लगा दो, 6% तो 21,600 जी। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ सेल्स 3,60,000 की, 21,600 का ये, 21,600 का ये, तो 42, 43 4,03,200 का। ठीक है, फिर अगले पे आ जाओ, 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, विशाल फर्नीचर अमृतसर। ओके, विदिन स्टेट है, 10 अलमीरा ₹11,000 की है, कितने हो गए 1,10,000। ये आ गया आपके पास 5 सोफा सेट हैं, 18,000 का एक है, तो कितना हो गया 90,000, तो ये कितना आ गया 2,00,000। ठीक है जी, और इस पर ट्रेड डिस्काउंट 15%, 30,000, 1,70,000। ठीक है, CGST SGST 6%, तो कितना हो गया 10,200। ठीक है जी,
लाख सत्तर हजार, 10,200, ठीक है, 6-6% इस पर, ये कितना हो गया 20,400, 1,90,000, ठीक है। फिर है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस, ओके। अब आ जाओ किस तारीख है, 20 तारीख, प्रकाश फर्नीचर, अब ये न्यू दिल्ली में बेचा है, आउट ऑफ स्टेट चले गया, ओके। 100 चेयर्स एट द रेट कितना है, 2,000 ईच, 2,00,000 का तो सामान था, ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसके, हमारे पास 5%, तो 10,000 तो ये निकल गए, 1,90,000, और इस पे IGST लग गया 12%, 1,90,000 पे 12%, 22,800, ओके। कितना बन गया, ठीक है जी, 1,90,000, 2,12,800, या अब आगे क्या था, कैश पे बेचा है, मतलब ही कोई नहीं, कैश बुक में जाएगा, मशीनरी बेची है जनरल प्रॉपर में जाएगी, बस ये यहीं पे हो गया एंड। कितना हो गया, 8,4,12,2,14, So, क्या है, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनवरी 3, 2018, ठीक है जी, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये देखना है कि कंपनी का थी कैलकटा और बेचा भी कैलकटा में, ठीक है।
431 का इनवॉइस है, 0.5 कलर टीवी 20,000 का है। एक लाख रुपए के तो टीवी हो गए, रेट डिस्काउंट है 20%, तो 20,000 तो यहाँ से माइनस हो गए। ओके, और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है। सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना। अब गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना में है, बाहर चले गया स्टेट से। ठीक है जी, कितना है 432 इनवॉइस है और डेट किस दिन बनाई थी, 10 तारीख। क्या बेचा है, 10 वॉशिंग मशीन, 8,000 की एक है, 80,000। ओके जी, और उसमें से फिर डिस्काउंट 25%। ठीक है, कितना आ गया, 60,000। IGST 18%, 48 10 800। ओके, तो ये आपके पास ये आ गया 60,000 10 800। ठीक है जी, फिर वो क्या कह रहे हैं, सोल्ड टू राघव एंड सन्स वाइड कैश मेमो। तो कैश में तो कैश बुक में जाएगा इसकी एंट्री में। सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड। अब आ जाओ नितिन ट्रेडिंग कंपनी, कब बेचा है उसको नितिन को, 16 तारीख को। क्या इनवॉइस नंबर है, 433। ओके, क्या बेचा है, गेट म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 15,030। तो ये 1,20,000 के तो म्यूजिक सिस्टम भी बेच दिए। और फिर है 10 कलर टीवी, 22,000 ईच, तो 2,20,000 के तो ये आ गए, 3,40,000। ओके, और इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। ओके, तो 280। अब इस पे IGST लगा दो। ओके, 200 तो एक हो जाएगा और इसमें से 1,4 किसका निकलता है, 48760।
48960. तो यहाँ कितना लिखोगे 272 और IGST आ गया 48960 और देखो जी तो 80 और 320 200 कितना हो गया 140 340 412 हमारे पास आ गया 456,160. सो इन दिस वे वी आर थ्रू विद टू टॉपिक्स दैट इज परचेज बुक एंड सेल्स बुक.